Realme P1 Pro। हाँ गाइज, यहाँ पे आप लोगों ने सही सुना, Realme की P सीरीज भी आने वाली है। P1 Pro एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, बात करने वाले हैं इस वीडियो में उसके बारे में। तो पूरा वीडियो देखिए, जल्दी वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप नहीं किया, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज देखिए, यहाँ पर Realme का जो P1 Pro है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन होने वाला है, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी, बात करेंगे उसके बारे में। P1 Pro के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए सबसे पहले तो ये नया सीरीज़ आ रही है, और यहाँ पर सीरीज़ जो इसलिए लॉन्च की जा रही है वैल्यू फॉर मनी। जैसे कि आप लोगों को पता है, रियलमी ना कुछ टाइम से, मतलब कुछ सालों से कह सकते हैं, फ़ोन के प्राइस बहुत बढ़ गए थे, और मतलब लोगों ने लगे जो पहले वाला रियलमी था उसमें थोड़ा फ़र्क आ गया था। बट अब फाइनली रियलमी ने उसको क्या किया है कि इस नई सीरीज़ को लाकर उसको चेंज करने की कोशिश की है, मतलब वापस पुराना रियलमी बनने की कोशिश में लग रहा है। तो बात करते हैं P1 और P1 Pro के बारे में। तो मैं P1 Pro सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उसमें 20,000 रुपये के नीचे ये फ़ोन होने वाला है, और यहाँ पर आपको मिलने वाला है 6.67 इंच का यहाँ पर कर्व पैनल, वो भी सुपर एमोलेड सेंटर पंचोल के साथ। 120Hz भी आपको देखने मिलेगा। तो पैनल की क्वालिटी तो ठीक है, बट इस प्राइस में आपको जो मिल रहा है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। एंड भाई P1 की बात करता हूँ, तो वहाँ पर 5,000 का फर्क होगा, वो 15,000 के नीचे होगा, मतलब वही 14999, तो वो होगा। वहाँ पर आपको मिलेगा 6.7 इंच का वहाँ भी पैनल होगा, बट वहाँ कर्व पैनल नहीं होगा, बट सुपर एमोलेड और 120Hz आपको वहाँ भी देखने मिलेगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं चिपसेट की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर P1 है उसमें आपको डायमेंसिटी का 7050 वाला डायमेंसिटी का चिपसेट मिलेगा। वहीं अगर आप प्रो वाले वेरिएंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का जो है 6th Gen वाला चिपसेट मिलेगा। 5 लाख के ऊपर इसका जो एंटीट्यूड स्कोर है, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस के मामले में अच्छी गेमिंग होने वाली है। कैमराज में बात कर लेता हूँ, मेन कैमरा, अभी कैमराज की इतनी बातें नहीं आई, बट जो प्रो वेरिएंट है उसमें 4 कैमरा शो हो रहा है, जैसे आप देखोगे, बट है डुअल कैमरा ही, तो ज़्यादातर चांस दिए कि 50 मेगापिक्सल का ही होगा एंड सोनी का सेंसर होगा। एंड और डिटेल्स अगर आएंगी, तो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, अगर आप चाहोगे तो। मैं बात वीडियो में कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर जो बैटरी है, वो आप लोगों को 5000mAh की मिलने वाली प्रो वाले वेरिएंट में, 45W की फास्ट चार्जिंग होगी। और इसमें अब वेरिएंट की पता नहीं है, P1 के बारे में पता नहीं कितनी बैटरी, बट उसका पता है 6.5 की बैटरी प्लस 45W की फास्ट चार्जिंग, ठीक है। आई होप आउट द बॉक्स आपको चार्जर मिल जाए। UI में एंड्रॉइड 14 आपको आउट द बॉक्स मिले, यानी आपको 1UX रन करने वाला है। सॉरी, 1UI बोल रहा हूँ, रियलमी OS जो है। गाइस ये पूरा रियलमी का P1 एंड P1 Pro, पूरे डिटेल्स अभी सामने नहीं है, कैमरा को छोड़कर आई थिंक ऑलमोस्ट बाहर ही है। अब फाइनली प्राइस की बात करता हूँ, तो इसकी जो प्राइस होगी, P1 की बात करता हूँ 14999 होगी, P1 Pro की बात करें तो 19999 होगी। डेफिनेटली ये जो प्राइस रखी गई है, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब 19999 में आप इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, कर्व पैनल मिल रहा है, रियलमी की ब्रांडिंग है, चिपसेट इतना अच्छा मिलता है, देन 15K में आपको P1 जैसा फ़ोन मिल रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रियलमी ने बहुत अच्छा काम किया है, और मुझे लगता है अप्रिशिएट भी करना चाहिए उसको। एंड डेफिनेटली आपको अगर परचेस करना है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि ये फ़ोन आपको बहुत ही जल्द इसी मंथ में देखने मिलने वाले हैं। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो, पसंद आया आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कम से कम वीक में 3-4 वीडियोज़ तो लेकर आऊँ। तो आप लोग सपोर्ट और प्यार करते रहिए। एंटिल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।